हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा। आज मैं अपने चैनल चेकावटी गार्डनिंग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको बड़े खूबसूरत से ब्यूटीफुल प्लांट एरुकेरिया के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसे हरा भरा रख सकते हैं। एरुकेरिया का प्लांट, इसे क्रिसमस ट्री भी बोला जाता है और ये एक इंडोर हाउस प्लांट है और सो ब्यूटीफुल डेकोरेटिव प्लांट है। इसे ईजीली ग्रो कर सकते हैं। एरुकेरिया को मिट्टी में, आप इसे कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, पर इसे गमले में लगा रहे हो तो इसके लिए वेल्डिंग कोटिंग सोइल तैयार करें। वेल्डिंग कोटिंग सोइल के लिए 1/3 गार्डन की टॉप सोइल, जो 1/3 सैंड, 1/3 कंपोस्ट भी ले सकते हैं। कंपोस्ट में काउडंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, जो भी आपके पास मैन्योर हो वो ले सकते हैं। और एक मुट्ठी नीम की खली और एक चम्मच फंजीसाइड में साफ व्यवस्थित मैनकोजे, सिनेमन पाउडर, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। और एक चम्मच वुडैश भी डाल सकते हैं। वुडैश पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है और फंजीसाइड भी है और फर्टिलाइजर भी है, वो ले सकते हैं। और इनको मिलाकर वेल्डिंग कोटिंग सोइल बना लेंगे और इसको पानी कैसे चाहिए। एरुकेरिया प्लांट को मिट्टी मॉइस्ट रखें, समर्स में इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखें और एक से दो बारह पानी देने पर, इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो तो पानी नहीं दें, टॉप सोइल सूखने पर ही पानी दें। मॉडरेट पानी रखें और टॉप सोइल सूखने पर ही पानी दें। सनलाइट इस प्लांट को, ब्राइट सनलाइट में भी अच्छा ग्रो कर सकता है, लो लाइट में भी अच्छा कर सकते हैं, पर आप इसे फुल सनलाइट में, समर्स में इसे फुल सनलाइट में मत रखें। फुल सनलाइट में रखने से क्या होगा, इसकी पत्तियां बर्न होने लग जाएगी, ऐसे करके पत्तियां बर्न हो जाएगी, तो फुल सनलाइट में आप इस प्लांट को नहीं रखें। इंडोर में और ब्राइट लाइट में ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसकी पत्तियां बर्न हो जाती है और इसे आप ब्राइट लाइट में अच्छी तरीके से रखें। इसकी केयर क्या कर सकते हैं, केयर करने के लिए, ये एक हाउस प्लांट है, इंडोर हाउस प्लांट है, सो ब्यूटीफुल प्लांट है। 10 फरवरी में और सितंबर में इसमें अच्छी तरीके से खाद दें, वर्मी कंपोस्ट 200 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं आप इस प्लांट में, खाद दें। और इसके फरवरी से सितंबर में खाद देने के बाद में मंथली 10 से 15 दिन में इसमें लिक्विड कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लिक्विड कंपोस्ट भी दे सकते हैं, जिससे ये फ्लरिश करे अच्छी तरीके से। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट रात भर पानी में भिगो दें और वो पानी इस प्लांट को दे दें, अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हो तो। अगर आप केमिकल के थ्रू जाना चाहते हो तो वन टीस्पून डीएपी, 1 टीस्पून एनपीके डिजोल्व करके और वो पानी भी इनको दे सकते हैं। और ये एक डेकोरेटिव हाउस प्लांट है और इसकी पत्तियाँ, नीचे की पत्तियाँ, पुरानी पत्तियाँ होती है वो ऐसे मुड़ जाती है और ऊपर की पत्तियाँ एकदम स्ट्रेट रहती है, पुरानी पत्तियाँ ऐसे मुड़ जाती है नीचे से। और आप इस प्लांट को रखें तो दीवार के ये टच नहीं होना चाहिए और आप इसे 5 से 10 दिन में आप इसे घुमाते रहें। ऐसे घुमाने से इसके क्या होगा कि जिस साइड सनलाइट मिलेगी उस साइड ये अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है और आप इसे घुमाते रहेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छा ग्रो करता रहेगा और इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है इस प्लांट को, तो आप इसे ह्यूमिडिटी के लिए आप इसे इसके पास या तो किसी पानी भर के बाल्टी रख दें या फिर टब रख दें या ह्यूमिडिटी ट्रे बना के वो भी रख सकते हैं। ह्यूमिडिटी ट्रे के लिए क्या होगा कि एक ट्रे लेके उसमें पेबल्स डाल देंगे, पेबल्स डालने के बाद में पानी डाल के और उस प्लांट ह्यूमिडिटी ट्रे पे ये प्लांट रख देंगे, जिससे क्या होगा पानी इवेपरेट होगा और वो इवेपरेट पानी इसको मिलता रहेगा और वो वाष्प बन जाएगा, वो इस प्लांट को बहुत अच्छी तरह अच्छा लगता है। और जितनी इस प्लांट को ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए, कम ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए। और आप इस प्लांट को गर्मियों में लू से बचाएं, गर्मियों में तेज गर्म लू होती है वो इस प्लांट को बर्न कर देती है, अगर आपका प्लांट बर्न हो गया तो वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। जैसे मेरे इस प्लांट में पत्तियाँ बर्न है तो ये बर्न ही रहेगी। मेरा ये प्लांट 5 से 6 साल पुराना है और ये इजीली लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये
एलोवेरिया प्लांट बहुत स्लो ग्रो करता है और इजीली ग्रो कर सकते हैं और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको इस कंडीशन में रखेंगे तो आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और इजीली चलता रहेगा। इस प्लांट में फंगस होने पर क्या करें? फंगस होने पर इस प्लांट में आप एक चम्मच नीम ऑयल और एक चम्मच लिक्विड सोप डिजोल्व करके वो प्लांट में पानी वॉम वाटर में डिजोल्व कर लें और वो स्प्रे कर दें। अगर आपके प्लांट में फंगस है तो आप इसको 10 से 15 दिन में, 1 से 2 दिन में कर दें। अगर फंगस नहीं है प्रिकॉशनली आप 1 मंथ में भी कर सकते हैं और नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद इसमें स्प्रे कर दें और आपके प्लांट में कोई भी फंगस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।